हेलो एवरीवन। सो ये है आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स। कैसी रहेंगे आपकी एनर्जीज, क्या आपको टैरो कार्ड्स गाइडेंस देना चाहते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपके सिलेक्शन को इजी करने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए क्रिस्टल्स मैंने रखे हुए हैं। सो जो पाइल नंबर 1 है उसका ऐसा कुछ एमेथिस क्रिस्टल दिखता है, कितना ही खूबसूरत क्रिस्टल है, बाप रे। इसके अंदर ऐसे खूबसूरत ऐसे क्लियर क्वार्ट्ज होता है। आई डोंट नो कि आपको क्लियरली फोकस में दिख रहा है कि नहीं, बट ये आपके लिए है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट होते हैं तो ये है पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 के लिए जो क्रिस्टल है वो है द एमेथिस क्रिस्टल है। इसकी भी बात ही कुछ अलग है। सो यू नो ये एमेथिस क्रिस्टल है, अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं आपके कार्ड के मीनिंग्स क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। सो यू नो वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग या कोई वास्तु टिप्स डेली अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग को वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी पाइल के बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पाइल नंबर 1 है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके तो काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड है। अमेजिंग। तो ये कार्ड सबसे पहली वाइब आपको दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में ही अपने ऊपर ये विल पावर ये कॉन्फिडेंस बना के रखनी है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो मुझे अपने कर्म पे बिलीव करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर वो चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो मेरे कंट्रोल में वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं किस्मत के भरोसे रहकर नहीं बैठूँगा, मैं अपना 100% ज़रूर दूँगा। तो अपने अंदर की काबिलियत, अपने अंदर का मैजिक, अपने अंदर की खासियत ज़रूर आप समझने की कोशिश करें एंड जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, आपको कोई जॉब के लिए आप देख रहे हो, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जो भी हो आप अपना इनर कॉन्फिडेंस को जाने ना दें, अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बना कर रखें, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। साथ ही साथ यू नो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। इसका मतलब ये होता है कि नो बिफोर आपकी जो आत्मा चाहती है, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो होने से पहले आपके मन में जो इच्छा आती है, ऑफकोर्स कई बार वो परमात्मा की दी हुई इच्छा होती है, लेकिन जब वो इच्छा आती है ना उस इच्छा पे भरोसा करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ होगी। जब आप ये चीज़ संकल्प के तौर पे लेते हैं, ठानते हैं उस बात को, फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप उसके लिए हार्डवर्क करते हैं, फिर वो चीज़ ज़रूर आपको होती हुई दिखती है। तो ज़रूर आपने वो भरोसा रखना है कि मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे मन में जो ये इच्छा है ये पूरी होगी। वो भरोसा वो विश्वास ज़रूर बनाए रखें तो आपके काम ज़रूर बनेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो यू नो दैट मैजिशियन का कार्ड का मतलब ही होता है कि भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर वो उम्मीद ना छोड़े, वो होप और पॉजिटिविटी ज़रूर बनाए रखे। पहला कार्ड तो ये है, बहुत अच्छा कार्ड है। सेकेंड कार्ड आपके लिए आया है बैलेंस का। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना होगा, ना ज़्यादा इमोशनल होना, ना ज़्यादा एम्बिशियस होना है, बैलेंस रख के चलना है अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी काम की लाइफ को लेकर। एंड जिंदगी में यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेनबो बना हुआ है विच शोज़ कि नो आपको अब धीरे धीरे लाइफ में पता चल रहा है कि आप चाहते क्या हो, किस ट्रैक पर आप चल रहे हो, वॉट डू यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो धीरे धीरे आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, एक पॉजिटिविटी मेरे को चलती हुई दिख रही है। मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिखे आपके लिए। आई सी की लाइफ में आप जो चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, बैलेंस ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं भाई कैसे आगे बढ़े, मे बी इट्स योर रिलेशनशिप, मे बी इट्स योर करियर, बट आप चीज़ों को वो समझ कर ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट एनर्जी। मैजिशियन मीन्स कॉन्फिडेंस, विल पावर, बैलेंस मतलब सोच समझ कर सूझबूझ से चलना। सो अगेन बोथ दी कार्ड्स की एनर्जी सिंक्रनाइज हो रही है, अच्छे दिख रहे हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए, ये देखिए गाइस जुगनी आ गई हैं और कह रही हैं वीडियो मत बनाओ, मेरे साथ खेलो। आप लाइव देख सकते हैं मैं शूट कर रही हूँ, ये रूम खोल के मेरा आ जाती है। सो इन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। जुगनी वो क्रिस्टल है बाबू। जुगनी मैं एडिट नहीं करूँगी शायद, ये मैं रहने दूँगी ताकि आप देख सकें कि हम कैसे शूट करते हैं। जुगनी प्लीज़ पाइल नंबर 1 वाले क्या कहेंगे बेटा, हट जा, गो गो गो, जाओ जाओ जाओ। सो मस्के देखो मस्के। ओके लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो थर्ड कार्ड है वो है डिवाइन फ्लो। अमेजिंग कार्ड है ये भी। ये भी कार्ड कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि लाइफ आपको कह रही है कि ज़िंदगी में आप बिल्कुल भी इस वक्त में तो होप बिल्कुल ना छोड़ें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज लिखा हुआ है, इवेंचुअली
डिवाइन फ्लो विल कम इन टू योर लाइफ एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी। तो ये आपको कह रहा है कि ज़िंदगी में जब कहते हैं ना, जब आप चीज़ें कुदरत पे भी छोड़ते हैं, अपना हार्ड वर्क करते हैं, अपना बेस्ट देते हो, तो कुदरत भी आपको सपोर्ट ज़रूर करती है ना, आपको भी बताती है कि नो आप अपनी मेहनत भी करो लेकिन रिजल्ट हम पे छोड़ दो, तो हम आपको ज़रूर सही रास्ता भी दिखाएंगे, गाइडेंस भी देंगे, रिजल्ट्स भी देंगे। तो ना तीनों के तीनों कार्ड्स की मेरे को कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, एक मुझे फ्लो, ओपननेस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। अगर आप कोई जॉब के लिए देख रहे हो, आप रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी की उम्मीद करें, या सेल्फ आप अपना इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो कि भैया मेरा मूड कैसा रहेगा या मैं मेरा मूड अच्छा कैसे कर सकता हूँ, सो मेरे को बड़ी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही है कि नो आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में यू विल फील दैट पॉजिटिविटी। अगर देखो मान लो आपको लगता है कि भाई हमें तो इतनी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, सो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको अपनी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चीज़ें कहते हैं ना कि अप्लाई करनी पड़ेंगी, स्पेशली विल पावर एंड बैलेंस, ये दो चीज़ें आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने माइंड में ध्यान रखना है कि देखो भाई जो भी परिस्थिति है मेरे को स्टेबल रहना है, मुझे बैलेंस रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करूँगा जो मर्जी करूँगा, एंड मुझे अपनी विल पावर नहीं खोनी है, नो मैटर वॉट इट इज़। एक होता ना, एक पर्सन जब कॉन्फिडेंट होता है, जब उसको लगता है भाई मैं कर लूँगा, तो शोल्डर पीछे रख के होता है, जब वो सैड होता है, उदास होता है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे होता है भाई पता नहीं क्या होगा आगे क्या होगा। तो वो आपने ऊपर वाले से प्रार्थना करनी कि ऊपर वाले मेरे को शक्ति दे, हिम्मत दे कि जो भी मेरी परिस्थिति है मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकूँ। सो ये सारी आपको टैरो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है पाइल नंबर वन वालों को एनर्जी दे रहे हैं, डिवाइन फ्लो बता रहे हैं कि एट द एंड डिवाइन टाइम में, डिवाइन फ्लो में ज़रूर सब कुछ होगा, तो वो मेंटालिटी से आप आगे बढ़े। सो आई सी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे जिन्होंने भी पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है। एंड मुझे लग रहा है आपके कोई काम है, कोई काम रुके हुए हैं, वेट कर रहे हो भाई नेक्स्ट 48 आवर्स में, पेपर है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, जो मर्जी, आई सी यू डूइंग इट वेल, अच्छे से मुझे करते हुए दिख रहे हैं। सो यस, ये मुझे आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है। सो यस, रेस्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पाइल नंबर टू की तरफ, जिन्होंने भी एमिथिस सेलेक्ट किया है, ये है उनका पाइल नंबर टू। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आए हैं। सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है अवेकनिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जिन्होंने पाइल नंबर टू से लेके वो अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं, उन्हें लग रहा है कि लाइफ ना एक आकर एक मुकाम पर रुक गई है ना, ज़िंदगी आगे बढ़ी नहीं रही है, शायद आपको कोई डिसीजन भी लेने हैं बट आप नहीं ले पा रहे हो, एंड आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है पॉज हो गया है, ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त में कहा जाता है कि अगर आप कोई भी प्रकार की बाहर जाएं, लोगों के लिए चैरिटी करें, जो भी आप हो, किसी की मदद करो, तो आपका मन चेंज होगा, आपको पॉजिटिविटी फील होगी। सो इस कमिंग टाइम में आपको किसी भी प्रकार की चैरिटी सजेस्टेड है, एंड ऑल्सो साथ ही साथ में यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी रुक गई है, मूव नहीं हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में डोंट वरी, इतना स्ट्रेस मत लें, बिकॉज ये आपकी लाइफ में टेम्पररी पॉज है, चीज़ें बदलेंगी, आपके फेवर में आएंगी, डोंट वरी। सेकेंड कार्ड की ओर अगर हम चलते हैं यहाँ पे, सो ये एक ना पॉजिटिविटी दे देता है कार्ड पूरी की पूरी, ये है 10 of Pentacles का कार्ड है, और ये बताता है कि उम्मीद ना छोड़े, बिकॉज आप इस नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी फैमिली की सपोर्ट ले, अगर आपको कोई सपोर्ट दे रहा है, आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई आके मदद कर सकता है, या इन जनरली आप अपना दिल हल्का करने के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए, ज़रूर किसी अपनों से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आपका ट्रैवल भी हो सकता है, वो भी आपके लिए बड़ा ही लकी और ऑस्पिशियस माना जाएगा। 10 of Pentacles का कार्ड ऐसा माना जाता है, अगर आप कहीं पैसे को लेकर चिंतित है ना, तो अगर ऊपर वाले की कृपा रही, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं से आपको पैसे की सपोर्ट भी मिल सकती है, बिकॉज ये बहुत ही लकी कार्ड है। जैसे कि यहाँ पर तो ये स्टक कार्ड माना जाता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, मूवमेंट में नहीं है, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए सेकेंड कार्ड बड़ा अच्छा आ गया, जो बताता है कि नो मूवमेंट, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स एंड समथिंग, जहाँ पे एट दी एंड जो हुआ भैया अच्छे के लिए हुआ। तो चलो ठीक है, इतने बड़े बड़े इवेंट्स अगर नहीं भी होते नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट मुझे जो एनर्जी लेवल आप लोग का दिख रहा है वो ऐसा ही दिख रहा है कि अगर आप स्टक हैं, कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं, लाइफ स्लो लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनों के साथ वक्त बिताएं, सो आपके लिए अच्छा एंड पॉजिटिव माना जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो डिस्कस एंड ऑल्सो अगर आपके लिए, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है योर पाथ का कार्ड है। सो ऑफकोर्स ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुई चीज़ें हैं, इस वक्त में आपको लग सकता है भैया आप रुक गए हो, शायद आपके साथ गलत हो रहा है, किस्मत आपके साथ फेयर नहीं कर रही है, बट याद रखें आप अपनी जर्नी में कहीं पर भी अटके
हुए ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन जो आपकी किस्मत में जिस समय में जो आपको मिलना लिखा है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। सो ये मत सोचिए कि ऊपर वाला आपको भूल गया है या आपकी किस्मत का प्लान भूल गए हैं या आपकी किस्मत में आगे की कहानी लिखना भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी नसीब में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो कभी भी रब नहीं हो सकता, वो ज़रूर आपकी लाइफ में आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। सो ये ऐसी कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख रही है कि जो आपका पाथ है वो वेल प्लान्ड है, बस अभी का समय थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन आगे आते आते आपको ज़रूर पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस होगी। ये आप प्रार्थना करें नेक्स्ट 48 आवर्स में कि जो भी आपके मन में आने वाले फ्यूचर की भय है, चिंता है कि यार चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, मुझे तो लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं स्टक महसूस कर रहा हूँ। मे बी टैरो कार्ड में भी, ये वाले डेक में भी आपके स्टक वाले ही कार्ड आए थे, स्लो मूविंग कार्ड आए थे, एंड आपको जो गाइडेंस डेक में से भी जो गाइडेंस मिली है वो भी यही मिली है कि जो आपकी किस्मत का पाथ है, जो ज़िंदगी है, वो आपको ज़रूर उसमें डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके फ्यूचर को लेकर चिंताएँ भय हैं उसको आप सरेंडर कर दें, एंड ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हे जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे कि आने वाले समय पे मैं जब तक मेरी जो इच्छा है मेरी पूरी नहीं होती तब तक मैं तेरी रज़ा में इंतज़ार भी कर सकूँ एंड वेट भी कर सकूँ, तो वो शक्ति ज़रूर परमात्मा से मांगे। सो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। समवेयर मुझे लगता है कि आप परेशान हैं, स्टक हैं, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में भी आपसे कहा जा रहा है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखें, फैमिली की सपोर्ट लें, जो भी आप डिज़ायर्स चाहते हो, टेक इट ईजीली एंड टेक इट पॉजिटिवली, ये आपके लिए सजेशन आ रहे हैं। सजर ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, कुछ इस प्रकार की मुझे आपके लिए गाइडेंस दिख रही है। सो येस, आई फील दैट ये गाइडेंस कार्ड आपको काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहा है। सो अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।